Hey guys, you're watching Rooter. मैं हूं आपके साथ आस्था। इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। आज यानी 24 सितंबर से शुरू हो रहा है विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट, यानी 50 ओवर का टूर्नामेंट। और डोमेस्टिक है यानी कि सारी डोमेस्टिक टीम्स इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। और 24 सितंबर से शुरू होकर ये टूर्नामेंट खत्म होगा 25 अक्टूबर को। अगर आपको नहीं पता है कि इसमें कौन कौन सी टीम्स हिस्सा ले रही हैं, क्या फॉर्मेट है इस बार का, तो मैं वो सब कुछ आपको फटाफट से बता देती हूँ, क्योंकि आज से शुरुआत हो चुकी है। यानी आज सुबह 9 बजे से ही कुछ टीम्स के बीच ऑलरेडी मैचेस शुरू हो चुके हैं। सबसे पहली चीज तो चंडीगढ़ की एक अलग से टीम ऐड हुई है इस साल, जिसकी वजह से इस बार टोटल 38 टीम्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। और इन सारी 38 टीम्स को 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और चौथा है प्लेट ग्रुप। नॉकआउट से पहले ये सारी ही टीम्स, ये सारे ही ग्रुप्स, हर एक टीम अपने ग्रुप की हर दूसरी टीम के साथ मैच खेलेगी और उसके बाद ये क्वालिफायर्स तक पहुंचेंगे। लेकिन उसका भी प्रोसीजर क्या रहेगा, ग्रुप ए और बी में से, जिनमें टोटल 9 टीम्स हैं, उसमें से टोटल 5 टीम्स टॉप में जाएंगी क्वालिफायर के लिए, क्वार्टर फाइनल्स के लिए। इसके अलावा ग्रुप सी में से टॉप 2 टीम्स जाएंगी और प्लेड ग्रुप में से टॉप 1 जो टीम होगी वो क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। उसके बाद की स्टेज इन सारी टीम्स के बीच में होगी। अच्छा, ये भी बता देती हूँ कि पिछली बार की विनिंग टीम जो थी, यानी इस बार के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं मुंबई की टीम, जिसे पिछली बार भी श्रेयस अय्यर ने लीड किया था और इस बार भी श्रेयस अय्यर ही लीड करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से बड़े नाम इस बार टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं, नेशनल टीम का भी जो हिस्सा है वो भी बता देती हूँ। इस बार अंबति रायडू भी वापसी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने रिटायरमेंट वापस लेते हुए डोमेस्टिक खेलने का फैसला लिया है और अंबाति रायडू हैदराबाद की टीम से ही इस बार विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। इसके अलावा दिल्ली की टीम में ऋषभ पंत भी होंगे, नवदीप सैनी भी होंगे और DDCA का कहना है कि शिखर धवन कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल रहेंगे। अब वो कुछ मैचेस कौन से होते हैं वो देखने वाला चीज़ रहेगी। इसके अलावा दिनेश कार्तिक लीड करेंगे तमिलनाडु की टीम। एनीवे दिनेश किसी भी नेशनल टीम में फिलहाल खेल नहीं रहे हैं, किसी भी टूर में नहीं है, वो विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु से खेल रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े नाम इसमें शामिल हैं, ऑफकोर्स विजय शंकर खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी हैं और मुरली विजय भी तमिलनाडु की टीम में शामिल हैं। दीपक चहर, जिन्होंने हाल ही में इंडिया साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, दीपक चहर राजस्थान की तरफ से खेल रहे हैं। शुभमन गिल ऑफकोर्स पंजाब की टीम से खेल रहे हैं और हनुमा विहारी आंध्र प्रदेश की टीम के कैप्टन भी हैं। अच्छा, इनमें से कई सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच जो टेस्ट सीरीज होनी है, जो 2 अक्टूबर से शुरू होगी, उसमें भी शामिल हैं, जैसे कि ऋषभ पंत हैं, हनुमा विहारी हैं और शुभमन गिल। इन सभी का नाम उस टेस्ट स्क्वाड में भी है, प्लेइंग 11 में होगा या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन क्योंकि टेस्ट स्क्वाड में शामिल हैं तो इसलिए कम चांसेस हैं कि ये तीनों प्लेयर्स खासकर विजय हजारे ट्रॉफी के सारे मैचेस में शामिल हों। यानी हो सकता है जो टेस्ट मैचेस से क्लैश कर रहे होंगे अगर मैचेस, तो ये तीनों प्लेयर्स उसमें शामिल ना भी हों। तो लेकिन इसके अलावा ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, याद रखने वाली बातें थी, वो मैंने आपको एक क्विक अपडेट की तरह दे दी हैं। विजय हजारे ट्रॉफी, ये डोमेस्टिक सीजन शुरू हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि हर साल की तरह ही इस बार भी इस टूर्नामेंट से कुछ और यंग रॉ टैलेंट इंडियन क्रिकेट को मिले, जो हर बार डोमेस्टिक क्रिकेट से इंडियन क्रिकेट को मिलता है। इसके अलावा इससे जो भी जुड़ी इंपॉर्टेंट खबरें होंगी, हर एक एक क्विक अपडेट होगी, वो रूटर आप तक पहुंचाता रहेगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें। बाय बाय।